मेरा इंट्रो अरबी में बोल के बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़ाकिर नदीम, यू वाचिंग माय चैनल एंड खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। इतना खतर। हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, इज एवरीथिंग ऑल राइट? जल्दी आओ, लेट लतीफ, वी गेटिंग लेट। अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ बढ़िया ना? अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाकिर नदीम, यू वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। हॉस्टल के अंदर से आज ऑफिशियली हम व्लॉग कर रहे हैं। अभी हम जा रहे थे एक फ्रेंड के रूम पे, यहां पे हमें चाय की दावत थी। अबे, और ये रीडिंग रूम में छात्र पढ़ाई करते हुए तुम चाय पीने चलोगे? सुन रहे हो, इधर देख लो, खौफ बरकरार रहना चाहिए। गुलाब जामुन। सो गाइस, मैं बोल रहा था हम जा रहे हैं अभी चाय पीने के लिए। हमारे एक मित्र, उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था चाय पे, तो हमारे क्लास की पूरी पलटन वहाँ पे आएगी। पूरी नहीं तो आधी पलटन आएगी। हम आपसे उनका तारुफ कराएंगे इंशाल्लाह। आप जा सकते हैं, सामने विक्टोरिया गेट, पीछे स्ट्रेचिंग हॉल, सब बढ़िया बढ़िया रंगीन नजारे आपको दिख रहे हैं। रात में इधर से लाइट, इधर से लाइट, हर जगह लाइट ही लाइट, रोशनी ही रोशनी। खेत में से चलेंगे, खेत खलिहान में से। सीनियर्स आर हैविंग सम टॉक ओवर देयर। जा रहा था मैं व्लॉग करते करते, हमारे सब्सक्राइबर्स भी हमें मिल गए। स्टॉल पे क्या नाम है? अफजल भाई, अब्दुल रहमान भाई, मोहम्मद जोशीम भाई, गुलरेज आलम, और आपका भाई ठाकुर अंकी। ठाकुर अंकी, खतरनाक नाम है भाई आपका। ठीक है भाई, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। दे रहा है भैया, फ्रेश रहना पड़ रहा है। हमें हमारे मित्रों ने बुलाया कैंटीन पे, हमें मगर दिख नहीं रहे हूँ। हमारे मित्र जो हैं ऑलरेडी इस वार्डन हाउस में घुस चुके हैं। प्लान में चेंज हो गया भाई, हम चार रहे हैं ऊपर। अस्सलामुअलैकुम। खोपचे में बुला रहे हैं ऐसे, लड़ाई बड़ाई हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई, सलमान भाई, औरंगजेब भाई, अरे नदीम भाई, नदीम भाई, अनस भाई। नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, सब रहेगा। अरे फरीद भाई, ये पौआ मार रहे हैं क्या? निकालिए निकालिए, ये क्या है? वो है क्या? मायोनी पुड़िया। अनस भाई पुड़िया के शौकीन। ये तो सफेद वाली पुड़िया, ये क्या गांजा है? ये भी रख दीजिए। शवारमा, ओहो, आप ऐसे लुक क्यों दे रहे बिलाल भाई? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? डराने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, सामने लाइट नहीं है क्या कोई? देवी और सज्जनों, हम आपसे तारुफ कराना चाहेंगे हमारे क्लास के सीआर जो हैं अनस भाई से। पैसा मांग रहे हैं, पैसा दो पहले फिर करूंगा। ऐसे नहीं हो रहा है। सलमान भाई से तो बहुत अच्छा डिटेल तारुफ करा चुका हूँ मैं अपने पिछले व्लॉग में। पिछले व्लॉग को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये सामने फरीदी भाई, इन्हीं के रूम में हम लोग आए हुए हैं। इन्हीं का रूम नहीं, मतलब वार्डन का रूम है ये, उसमें रह रहे हैं। आप नहीं आना चाहते? ठीक है, आपके चेहरे पे इमोजी आ जाएगा। गाइज, आपको पता है मैं पिछले शॉर्ट्स में निकल रहा था दुबई के, रास्ते में ब्रेक ले लिया, मैं खाना पीना चल रहा है, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। उसमें हमारे साथ ये भी रहेंगे। पावर ही हो रही है हमारी, वो साइकिल चलाने वाले यही रहे। अच्छा, कोई रिकॉर्ड बनाया था ना साइकिल से चला चला के बहुत दूर? स्विट्जरलैंड से आया था यहाँ पे, शादी पूरा हाथ में। अच्छा, अंधेरा है क्या अंदर? हाँ, बल्ब है, सारे ऑन है बाहर से। ए, निकला हुआ है, बल्ब नहीं है वहाँ पे। है ठीक है, फ्लैश फ्लैश से काम चल रहा है। ये क्या लिखा हुआ है इस पे? ROSHNI रोशनी लिखना था मगर पूरा लिखा नहीं है। लोटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो बाबूराव वाला, मोटी पार्टी रहती थी यहाँ पे। देखा पूरा RO पड़ा हुआ है, गैस वे सब। ये किचन है बेसिकली, बिना सनरूफ वाली गाड़ी सुनेंगे, बिना सनरूफ वाला किचन आज आप पहली बार देखेंगे। इसमें आपको पानी भरने की जरूरत ही नहीं, सिंक से डायरेक्ट अल्लाह ताला पानी जो देगा उससे आप खाना बना सकते हैं। और अंडरग्राउंड 3 स्टार होटल वाला बेडरूम, खतरनाक झूलता हुआ एक्सटेंशन बोर्ड, सी फेसिंग बंगलो। आगे नाला तो बह रहा होगा, समुद्र नहीं तो नाला तो बह ही रहा होगा। दिस इज द बाथरूम, और गीजर वगैरह भी है। ये किचन है, किचन, पंखा चल रहा है यहाँ पे, डाइनिंग टेबल भी है, अचार रखा हुआ है, जिसको चाहिए आके ले सकता है, संपर्क करे फरीदी भाई। इस तरह का क्या है? इस तरह का अरे आप क्या बोल रहे हैं? कैसा आ रहा है? फेडेड फेडेड। अच्छा, आंधी आई थी, बहुत सारे सोलर पैनल उड़ गए थे, ये कैसे बच गया? SMAL हॉस्टल जो है उस साइड का, साउथ का, उधर के जितने सोलर पैनल थे ज्यादातर उड़ गए थे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉस्टल रूम नहीं, आप गलत फहमी मत रहेगा कि एमयू में जाएंगे बड़ी आलीशान जिंदगी रहेगी, ये वार्डन का रूम है। आप आएंगे तो आपको ये सड़क वड़क चद्दर उद्दर बिछा के सोना पड़ेगा। RO भी लगा है, और इसमें म्यूजिक का भी वो फंक्शन है, ऐसे दबाएंगे आप गाना बजेगा। बंद हो गया, कृपया करके बिजली बचाई जाए, जद्दोजहद जारी रहेगी बिजली बचाने की। सब एक्सप्लोर कर दिया हमने, हमारी दुल्हन विदा हो रही है। अस्सलामुअलैकुम। अरे औरंगजेब भाई, आपका इंतजार था, किस्मत से एक गुजिया बची है। एकदम दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। मैं वो शादी वाला कैमरा मैन जिससे लोग खौफ खाते हैं। अरे खाइए। कामरान भाई चाय लेकर आ चुके हैं, सारा नीचे रख दीजिए औरंगजेब भाई, उठा। अनस भाई टूट पड़ो, आप लाल लाल चाय, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? ये कुल्लड़ वाली चाय। अरबी में बोल के बताइए क्या बोलते हैं कुल्लड़ को? अरबी असल में भूल गए बहुत दिनों। मेरा इंट्रो अरबी में बोल के बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़ाकिर नदीम, यू वाचिंग माय चैनल एंड खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग।
इतना खतरनाक। मेरा नाम आकिब नदीम है, आप देख रहे हैं एन खान चैनल को। इसको अरबी में बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, इसमें आकिब नदीम। कौन तुम तंजरोना चैनल ही। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, दिस इज आकिब बिन मोहम्मद यूनुस। एक बार मैं सोचा अरबी में कुछ करता हूँ ना, तो मैं नेट पे गया, सर्च मारा, इसमी हूँ आकिब बिन मोहम्मद यूनुस, उसके आगे भूल गया था क्या बोला। मजा आता अरबी बोलने का। गाना सुना था बहुत पहले तो याद हो गया उसका लाइन मुझे, ला था खाफी मेहमा तालू है ना कल भी हवा की। सब लोग रिवाइज करो अरबी। मैं चला गया था ट्यूशन पढ़ने। औरंगजेब भाई ट्यूशन पढ़ा के आ रहे हैं मगर खुद ही अरबी भूल गए। अभी सभा को वो क्या दरखास्त की जाए, भरी महफिल में जो मैंने शेर मारा, शेरनी विधवा हो गई। शुक्रिया शुक्रिया, अब आप शेरनी मार दीजिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई दो लफ्ज भी मेरे सुन न सके, तुम ऐसे क्यों बेजार हुए? मैंने तुम्हें अपना समझा था, अपनों से शिकायत होती है, इसलिए हम आपसे शिकायत कर रहे थे भाई, जो भी कह रहे थे। दीन से रिलेटेड सुना दीजिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की। मुझे शायरी वगैरह नहीं आती है, आप औरंगजेब भाई के पास रुझ करें। मेरे शेर नहीं होते, कुछ और होते हैं। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को क्या गर, कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। अरे इनकी बैटरी रिचार्ज हो गई, आदिल इनके मुंह पे फोकस मारो। थी हमारी किस्मत सारी यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार। जी चाहता है गले से लगा लूं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, लब समझते हैं ना, होठ होठ होठ। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी। यहीं पे समाप्त करते हैं सभा को, हमें सुबह फजर के लिए उठना भी है। नहीं नहीं, आप फजर के लिए उठना, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा साहब। चलिए चलते हैं, चाय का ग्लास खाली हो चुका है। बहुत अच्छी महफिल रही, सब लोग रुखसती ले लो, गाकर सुनाते तो। आपकी फरमाइश बढ़ रही है नज़ भाई। अभी मैं आ रहा था, आते वक्त मैंने एक अच्छा खासा पोर्शन रिकॉर्ड किया व्लॉग का, और इधर आया है कि मेरा फोन जो है लुल डेड होते होते आधा अधमरा कोमा में चला गया। मैंने फिर ऑन किया, देखा ओह जो मैं लास्ट वाला पोर्शन रिकॉर्ड किया वो तो चला गया। मेरे साथ फिर से प्रांक हो गया गाइस। अब हमको समझ नहीं आ रहा ऐसा इम्तिहान क्यों ले रहा ऊपर वाला हमारा, बट जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज संडे का दिन और वादे के मुताबिक हम आपके लिए वीकेंड वाला व्लॉग बना रहे हैं। लिटरली रात में जब आया हूँ वहाँ से उस महफिल से, तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिट की, 3 घंटे लगातार मैंने वीडियो एडिट की। 3 बजे के करीब सोया और 4:20 पे उठ गया, मतलब लिटरली मैंने सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट का नींद लिया हुआ है। अभी आज संडे का दिन है तो काम भी बहुत ज्यादा, कपड़े मुझे बहुत सारे धुलने, कपड़ा धुलने के बाद फिर डाइनिंग करना है, डाइनिंग करने के बाद वापस आऊंगा, फिर नहाना, उसके बाद फिर मुझे ढेर सारे असाइनमेंट बनाने। लाइफ इज फुल ऑफ जद्दोजहद, यू नो। एक कोई जरूरी सा पॉइंट उस पर मैं लाइट मारना चाह रहा था, तो आप ध्यान दीजिएगा उस पर। खवातीन हजरात, देवियों, सज्जनों, भी हम बात करते हैं उस महत्वपूर्ण नुक्ते नजर की। वाह, शुद्ध हिंदी प्लस उर्दू का डेडली कॉम्बिनेशन। एन खान इज टैन एन खान, मैं ही कर सकता हूँ सिर्फ ऐसा। खैर, आप में से जितने लोग मेरे कंटेंट को मेरे कंटेंट की वजह से देखते हैं, किसी को एडिटिंग पसंद आती है, किसी को मेरी पर्सनालिटी पसंद आती है, किसी को मेरे बात करने का लहजा पसंद आता है, किसी को मेरे बात करने का तरीका पसंद आता है, किसी को क्या पसंद आता है, अल्लाह वाला मुल्ला नोस द बेस्ट, उसके वजह से देखते हो, उनको सल्यूट। आई नो ये चिड़िया का जो आवाज है ना आपको बहुत इरिटेट कर रहा होगा, बहुत ज्यादा शोर कर रहा होगा, बट क्या करें, चिड़ियाज आर डैम चिड़ियाज, यू नो। तो मैं बोल रहा था जितने लोग कंटेंट मेरा इसलिए देखते हैं कि आकिब जो है एमयू का पढ़ने वाला है, एमयू से रिलेटेड कुछ बता देगा, एडमिशन फॉर्म्स इससे रिलेटेड, एडमिशन कैसे लेना, हॉस्टल कैसे लेना, तो बहुत गलत चैनल पे आप हो। बहुत सारे चैनल, लिटरली बहुत सारे चैनल है मार्केट में, आप जाकर सर्च करो उन पर, देखो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आई एम अ सीरियस व्लॉगर, आई एम अ सीरियस कंटेंट क्रिएटर। अगर आप इतने सालों से मेरे सब्सक्राइबर हो, अभी नए वालों को तो नहीं पता होगा मगर जो पुराने सब्सक्राइबर्स उनको पता होना चाहिए कि इतने सालों से मैंने ना कभी कंटेंट कॉपी करने की कोशिश, मेरे व्लॉग्स के जो नीश है वो भी अलग, दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं अपने व्लॉग्स में, और उसमें बहुत सारी चीजें सुन्नत के हिसाब से हो जाए, बहुत सारी चीजें खिलाफ सुन्नत हो। मोटा मोटा एग्जांपल आप ले, आप मेरी बहुत पुरानी वीडियोस उठाएंगे उसमें आप देखेंगे म्यूजिक था, EDM वगैरह रहता था, BGM रहता था, ठीक है। फिर एक वक्त आया मैंने टोटली अबैंडन कर दिया म्यूजिक को, एकदम उसके सख्त खिलाफ, नशीद नशीद नशीद। फिर एक वक्त अभी आया, हियर एंड देयर मैं जो है म्यूजिक को यूज कर लेता हूं अपने शॉर्ट्स में या फिर कोई वीडियो में, व्लॉग्स में नहीं यूज करता हूं बट शॉर्ट्स वगैरह में इधर उधर यूज कर लेता हूं। आपने नोटिस किया होगा, एक वक्त क्या पता आगे ऐसा आया मरने से पहले मैं फिर से एकदम से अबैंडन कर दूं म्यूजिक को, एकदम से उसको गलत समझने को, तौबा करके मर, ऐसा भी हो सकता है ना करके मर, बट अल्लाह से मैं दुआ करूंगा कि मैं अच्छे पे ही मरूं। तो ये मेरी जर्नी है, ये आप देखो, अगर आप इससे
जिससे आप रिलेट कर पाते हो तो मुझसे कनेक्टेड रहो। आप मेरी पर्सनैलिटी से अगर रिलेट कर पाते हो तो मुझसे कनेक्टेड रहो। आपको मेरी कोई चीज पसंद आ रही उससे आप कनेक्ट फील करते हो तो देखो। बट एक व्लॉगर को सिर्फ उसके रीजनल बेसिस पे देखना कि इस जगह पे रह रहा है यहाँ का मतलब पे देखना, ठीक है करते हैं लोग, बट वो सही नहीं है। फिर आप उस व्लॉगर के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, कॉन्टेंट के अंदर की चीजें पसंद आ रही है, तब आप देखो। दूसरा अनाउंसमेंट ये करना था कि आज से मैं वो कोई भी कमेंट जिसमें फॉर्म से रिलेटेड, एमयू फॉर्म, जामिया के बारे में, एमयू के बारे में, एडमिशन के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसने मांगी, मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा फील्ड ही नहीं। अगर मैं अभी तक दे देता था आप लोगों को रिप्लाई कि आप लोगों को बुरा ना लगे, बट अब मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं रहता लिटरली। मेरे को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी, अब उसमें भी मैं वक्त दूंगा तो वो बहुत हेक्टिक हो जा रहा है। मैं एक काम कर सकता हूं, मुझे एक भाई ने सजेस्ट किया हुआ है कि आप एक गूगल फॉर्म बना दो, उस पे लोगों से कुछ पैसे ले और उनको क्या बोलते हैं जीमेल वगैरह दे दो, गूगल मीट का ऑनलाइन लिंक दे दो और उस पे कनेक्ट होकर डायरेक्ट फेस टू फेस आपसे चीजें पूछ सके, आप उनको जवाब दे दो। वो मुझे आइडिया बेहतर लगा। उसमें मुझे एक टाइम जो है फिक्स करना, उसमें आप लोग ऑनलाइन आओगे, पूछोगे सवाल, मैं मेरी एक टीम होगी जिनको इन सब चीजों में अच्छी से इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पैसे दे, वो मैं कर सकता और उसको फिर मैं सीरियस ले पाऊंगा और आप भी उसको सीरियस ले पाओगे जिम्मेदारी की तरह। ऐसे नहीं कि यहां पता चला मैं वीडियो बना रहा हूं लाइव के ऊपर से ऊपर नीचे ग्राफ जा रहा हूं, उसमें आप नीचे से कोच दे भाई बीए एलएलबी का फॉर्म कब आएगा। अरे यार मजाक चल रहा है भाई, मैं सीरियस कंटेंट क्रिएटर, मैं शॉर्ट्स बनाता हूं उसको बड़े सीरियसली, उठा उठा कहीं से चेप नहीं देता हूं, मैं उसका लिटरली उसके लिए मेहनत करता हूं, सोचता हूं फिर मैं बनाता हूं। तो आप भी सीरियस रह के मेरे कंटेंट को देखो। थोड़ा रूड साउंड कर रहा हूं बट फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं, आपको मेरी बातें नहीं पसंद आती हैं, आपको मेरा एडिटिंग नहीं पसंद आता है, आपको मेरे वीडियोस नहीं पसंद आते हैं, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओ, क्योंकि फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे इस्लामिक सवाल कर सकते हो, वो भी मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं इस्लाम में, जितना मुझे पता रहता उतना मैं चीजें शेयर करता हूं। तो अगर आप करोगे मुझे पता होगा उसका मैं जवाब दे दूंगा, उसमें मैं फ्री हैंड है मेरा, एक रुपए आपसे नहीं चार्ज करने वाला मैं। आप कुछ भी मुझसे पूछो, कुरान हदीस उससे रिलेटेड जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगा सब मैं दूंगा। एमयू के लिए फ्री ऑफ चार्ज अब कुछ नहीं रहेगा। आप मुझसे अगर कुछ गाइडेंस चाहते हो यू नीड टू पे फॉर दैट, बस यही बात मुझे आपसे करनी। अभी जा रहे हैं हम काम करने, जिंदगी में जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, असाइनमेंट वगैरह बनाने बहुत सारा काम। व्लॉग पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। देवियों सज्जनों, सज्जनों।